गाइज ये हम बाद में बताएंगे आपको किसकी तैयारी चल रही है, पर चल रही है। जोशी बहुत मेहनत कर रही है, जो कितने डब्बे बनाए इसने। गाइज मेरे तभी गुड मॉर्निंग वीडियो है, इसको देखो बनाने वाले। गाइज अभी रात देखिए 2:11 हो रहे हैं और हमारा काम पूरा हुआ ही तो ये सब। वैसे भी आपको जो भी होगा उसके बाद पता चलेगा, बट आप देखिए क्योंकि अभी ये सब तो यूज़ हो ही जाएगा जब तक आप देखेंगे। तो जो भी ये सब चीज़ें देखें तो ये जोश में तो प्लीज़ कमेंट्स में उसको कुछ अच्छा ज़रूर बोल देना, बिकॉज शी इज़ रियली वर्किंग वेरी हार्ड। गाइज स्ट्रगल इज रियल है ना मुस्कान। बारिश ने भी वॉलंटियर्स को बुलाया क्योंकि कल से फेस्ट स्टार्ट है और इना पीछे रह गई पीछे। वो तो देखो कितना सुंदर लग रहा है, गीले हो गए हम। गाइज देखो रंगोली बन रही है, चलिए जा चुपचाप। मैं वहीं से ही, वहाँ इना है बाहर ही। हम रात के 9 बज चुके हैं, अभी तक यहीं बैठे हैं क्योंकि हमारी रंगोली पूरी। मैं टेक्निकल टीम के लेकिन मैं एक्स्ट्रा वर्क कर रही हूँ। देखो मैं अपनी दोस्ती निभा रही हूँ गाइस, और मैं भी हमारे अंदर का डेकोर वाला पर्सन बाहर निकल रहा है। अपनी सर्विस कर रहे हैं, कह रहे हैं जाओ हम खाना खा रहे हैं। डेकोर का भी सर्टिफिकेट ले ले क्या? कोई नहीं दे रहा था कुछ उपजा, कल आपको दिखाएंगे कैसे। गाइस का हाथ काले हो गए, बोलियो ना, वो बहुत गंदे हो गए हमारे हाथ। मेहनती मेहनती बाहर गायब आ रहे हैं, पता नहीं कहाँ शेर जैसे दोस्त। ये देखो ये हमारा स्कूल ऑफ ऑटोमेशन है, देखो स्कूल ऑफ ऑटोमेशन। चलते हैं हम खाना खाएंगे, सुबह से मिलते हैं। आप सभी देखते रहे कल से क्या होगा, कल से हमारा इवेंट स्टार्ट हो जाएगा और आपको सब कुछ दिखाएंगे हम सब कुछ। जैसा कि हमने बताया है हमारा स्कूल ऑफ ऑटोमेशन है, यह हमारा डिपार्टमेंट है। देखो कितना सुंदर है, ये देखो ब्यूटीफुल है ना गाइस, ब्यूटी देख रहे हो ब्यूटी। यहाँ ड्राइवर खड़ा होकर साइकिल चला रहा है, ये लोग भी फ्री नहीं हुए डेकोरेशन से। अभी हम जा रहे हैं गाइस कल के डिनर के लिए पासेस लेने, वो आपको शायद से। गाइस हम जाना नहीं चाह रहे थे, ये लड़की जबरदस्ती ले रही है क्योंकि आज लास्ट डे है। ये देखो कल रात से मेहनत कर रही है ये। ये देखो ये हमारा ऑटोमेशन डिपार्टमेंट, कितना सुंदर लग रहा है, लग रहा है अच्छा। ये काम जाते अच्छा लग रहा है ना, हम समोसा खा रहे हैं गाइस, हमें रिफ्रेशमेंट में मिला था। जोशी ब्रो, जोशी ब्रो वापस दिखा, मेरे पे भी लगाना वो। अपन दोनों पे आ जा, चेस गाइस आप भी यहीं पर आके फोटो खिंचाना, बाय। अब हम चलते हैं मानसी के पास, मानसी को चाहिए ऑडियंस, ऑडियंस तो कुछ चाहिए हमें देखना और हम देख सकते हैं। तो हम जा रहे हैं ऑडिटोरियम में, वहाँ हैकेथॉन चल रहा है, आपको वो दिखाते हैं। गाइस कौन बनेगा करोड़पति चल रहा है, मानसी मानसी। ब्रेट ली इज ऑप्शन 1 टॉलेस्ट बैट्समैन, ऑप्शन 2 फास्ट बॉलर, ऑप्शन 3 स्पिनर एंड ऑप्शन 3 ऑलराउंडर। Option B, fast bowler. Yes, it is the correct answer. You will be getting 200 points. Guys, अभी हमने जो दिखाया वो था कौन बनेगा करोड़पति और वो इसने लिया था। अभी पता नहीं क्या कर रही है, पूरा ऑटोमेशन यही संभाल रही लग रहा है। देखना जरा कर्मचारी ये संभाल रही है, भाग गई बहुत जल्दी, बहुत काम है क्योंकि इसको आज। चलते अब हम हॉस्टल। इस मुझे मिला एक बहुत बड़ा सरप्राइज है, देखो सरप्राइज छोटा सा है पर मेरे लिए बहुत बड़ा है। अब हम चलते हैं इसको दिखाएंगे स्टॉल्स। ये है ममता, आप पहली बार आए हैं,
शी इज माय बेस्ट फ्रेंड गाइस। चलते हैं, पहली बार इसकी दीदी भी आई है, वहाँ स्टॉल्स लग गई है कहीं पे, वन को घुमाएंगे। चलते गाइस, ये स्टॉल चल रहा है। गाइस मानसी ने मुझे दो गुब्बारे दिए, खुश हो गई ये गुब्बारे देख के। रात को जो लाएंगे ना। खुशी हो रही है, गाने नहीं बज रहे यार। चाहिए तो कुछ करूंगी। अरे ऊपर मत उड़ा दियो भाई, ला दिखा। नहीं चिपकेगा, बहुत सुधा है ना। सुधांशु गाइस रिफ्रेशमेंट, ये देखो भूखे बच्चे पकड़ी गई है, तू खाती हुई पकड़ी गई है। आ जा, ये रंगोली है CMS डिपार्टमेंट। हम तैयार हो क्या है गाइस? प्रभ भी है गाइस, प्रभ हाय बोल रही है, वो थोड़ा सुनेगा नहीं। अब हम जंगल में पहुंच चुके हैं गाइस, हम दिखेंगे नहीं आगे वालों को, देख लो दिख रहे थे। अब हम चलते हैं के अंदर, ये देखो भीड़ पागल हो गए हैं गाइस। ये फोटो नहीं है, वीडियो है, खुश हो जाते हैं देख देख के। ये डिनर है हमारा, यहाँ पे हम पहुँच चुके हैं डिनर नाइट पे। ममता जोशी प्राप्त, अब हम खाएंगे सिर्फ मानसी हमसे लगे उससे हम बाद में मिलेंगे, तो पहले हम जाते हैं और कुछ खाते हैं। मिल गई है मेरी, मेरे लिए खाना डाल दिया, मेरे को सिर्फ पापड़ को। मानसी से मैं सिर्फ अभी तक पापड़ जा पाया, इसे मुझे खाना दिया गया। आपने मुझे सिर्फ पापड़ क्यों दिया है? क्योंकि आप पापड़ के लायक ही हैं। ठीक है, पापड़ खा के काम चलाते हैं गाइस, अभी के लिए बाद में मिलेंगे। हमारा डिनर हो चुका है कंप्लीट। ये हमारे स्पॉन्सर टीम की शिवा शुक्ला, सब थक चुके हैं, लाइक नहीं आ रही थी, इन्होंने बहुत मेहनत करी है भाई। पान में क्या डाला इन्होंने? देखो पान खा ले, खा ले फिर बता कैसे, जल्दी खा। 1 2 3 आधा आधा खाएंगे, नहीं तो पहले खाते बता। छोटा ही है भाई, इनका मुंह देख के पता चल रहा है। गाइस इनका मुंह देखा उसी हिसाब से लग रहा है पान काफी अच्छा था। पान अच्छा, मुझे खाना नहीं आता, पत्थर पत्थर के रेड में चब नहीं रहे। हाय गाइस, कैसा लग रहा है मयूक? गाइस बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब बाकी सारे फेस्ट हैं उनके स्टोर्स में हम लोग गए, हमें कुछ खास मतलब, लेकिन ये अपना खुद का फेस्ट हो रहा है ना, तो उसमें बहुत एक्साइटमेंट है। स्टॉल्स में भी गए, हमने खर्चा भी खूब किया, और टेक्निकल में तो मैं हूँ ही, टेक्निकल टीम में, केटरिंग टीम में प्रीति है, और हम लोग काम भी अच्छे से कर रहे हैं, अपना पूरा दिन काम करके एंजॉय भी कर रहे हैं साथ के साथ। काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है, और होप कि हम आगे भी ऐसे इवेंट्स में पार्टिसिपेट करते रहेंगे, अपना इनपुट देते रहेंगे, और बनस्थली के लिए जितना बनस्थली हमारे लिए कर रहे हैं, अगर हम उसका 1% भी कर दें तो अच्छा होगा। गाइस जो भी ये वीडियो देख रहा है प्लीज़ वो ये ज़रूर बताना कि अगर आप उस इवेंट में आए थे और आपने किसी भी इवेंट में या किसी भी उसमें क्या पार्टिसिपेट किया था, किसी भी गेम में, ठीक है, या किसी भी चीज़ में आपने पार्टिसिपेट किया है, चाहे वो वर्कशॉप हो, चाहे वो कोई गेम हो, चाहे वो KBC हो, हैकेथॉन हो, कुछ भी हो, अगर आपने किसी भी चीज़ में पार्टिसिपेट किया है तो प्लीज़ अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर करना कमेंट बॉक्स में, ताकि बाकी लोगों को भी पता चल सके कि आप लोगों को कैसा लगा इस फेस्ट का पार्ट बने। इस व्लॉग से आपको मेनली ये पता चलेगा मयूक का सबको कितना वेट था, और नेशनल लेवल पे ये फेस्ट ऑर्गेनाइज होता है, और बनस्थली का बिगेस्ट टेक्निकल फेस्ट यही है। बेसिकली बनस्थली का नेशनल लेवल टेक्निकल फेस्ट मयूक है, तो इसलिए हम लोग इतने एक्साइटेड, बिकॉज इट्स नेशनल लेवल। हाय गाइस, तो आज हमारे व्लॉग में एक स्पेशल अपीयरेंस कह सकते हो आप, या फिर आप सबके लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज है, जो कि अब 2 सेकंड में खत्म हो जाएगा। ठीक है, ये हैं अंशुमन सर, तो ये आपसे कुछ कहना चाहेंगे सर मयूक के बारे में, आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि बच्चे बहुत एक्साइटेड हैं। सबसे पहले तो 2 साल बाद, 3 साल बाद ऑलमोस्ट आज मयूक हो रहा है, तो आप लोगों को बहुत बहुत बधाई। आप लोगों को मजा आ रहा है कि नहीं? बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है ना, तो बस आप लोगों को मज़ा आते रहना चाहिए,
एंजॉय करिए, पार्टिसिपेट करिए हर चीज में, अगली बार इससे बड़ा मयूर करके दिखाइए। श्योर सर, श्योर, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। और सर बनस्थली के और जो बच्चे देखते रहिए आप लोग इनका, इनका जो ब्लॉग है आपको अगर अच्छा लगता है तो आप इंजॉय भी करिए। मुझे इन्होंने ये बताया था कि इनका ब्लॉग फनी है, मेरे को फन एलिमेंट थोड़ा सा कम लगा, बट इन्फॉर्मेटिव जरूर है, आप लोगों को हो सकता है मज़ा आया उसमें। तो आप लोग इनसे जुड़े रहिए, इनके ब्लॉग देखते रहिए। यस सर, थैंक यू सर। अब सर ने बोला है तो हमारे ब्लॉग देखते रहिए। जिन बिना सब खत्म हो गया, घर जाने की तैयारियाँ चल रही है और हम जमीन पर बैठे हैं क्योंकि हमारी ड्यूटी है। अंशुमन सर भी हमारे साथ ही, मतलब स्टूडेंट्स के साथ ही खाना खा रहे हैं। गाइस वनस्थली सिर्फ इसीलिए ज़्यादा अच्छा है क्योंकि यहाँ कोई पार्शलिटी नहीं होती है, ठीक है। हमारे टीचर्स भी बच्चों को ऐसे ही ट्रीट करते हैं और खुद भी हमारे साथ बच्चों जैसे ही रहते हैं, तो सब कुछ बहुत अच्छा है। देखा होगा हर जगह कोई भी अगर आता है, या फिर प्रिंसिपल है, चीफ गेस्ट है, वाइस प्रिंसिपल है, मतलब हूएवर ही और शी इज़, कोई भी अगर किसी फंक्शन में आता है तो उनके लिए स्पेशल अरेंजमेंट होता है, उनके लिए स्पेशली खाना आता है, वेटर्स आसपास होते हैं। बट हमारे यहाँ वनस्थली में सारे टीचर्स और सब लोग, फैकल्टी हो चाहे वो कुछ भी हो, सब लोग हमें बहुत अच्छे से रखते हैं। और यहाँ पे एक चीज़ बहुत अच्छी है कि उन्हें स्पेशल ट्रीटमेंट चाहिए ही नहीं होता है। लाइक अंशुमन सर की बात करें तो वो भी हमारी ही कोर सबको टीम के साथ ज़मीन पर बैठ के खाना खा रहे हैं, ठीक है। जबकि अगर कोई और जगह होती तो शायद उनके लिए चेयर वगैरह टेबल लगता लगी थी, खाना टेबल लगी थी, बट उन्होंने चूज किया कि वो चाहते हैं ऐसा कि वो खुद खाना डालें क्योंकि उन्हें पसंद होगा वो चीज़ भी। दोनों उन्होंने खुद अपना खाना डाला है और उन्होंने चेयर भी नहीं लिए, उन्होंने कोर और सब कोर के साथ ज़मीन पर बैठना पसंद करा है। तो दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ वनस्थली आई मस्ट से। आप देख सकते हैं वो दिखेंगे नहीं पर ये हमारी कोर सबको टीम है, इनके साथ वो बैठे हैं टेक्निकल। अंशुमन सर भी उनके 11:40 गाइस अभी भी हम फ्री हैं। अंशुमन सर भी उनके साथ अभी आए हैं और सब एक साथ नीचे बैठ के खाना खा रहे हैं। दैट्स द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग आई गेस। आपको किसी भी इंस्टीट्यूट में या फिर कहीं पे भी ऐसा नहीं देखने को मिलेगा, कभी भी नहीं। हम आपको दिखा रहे थे ना सर, देखो ये रहे सर, ठीक है, हमारी टेक्निकल टीम। सर को पता नहीं है ये मयूर गाइस, ठीक है बाय। और ये आपके, आपकी प्रिया मानसी शर्मा। गाइस इस वीडियो के लिए और इस ब्लॉग के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी जो सेकंड डे होगा वो आपको सेकंड ब्लॉग में मिलेगा, थर्ड डे जो होगा वो थर्ड ब्लॉग में मिलेगा, ताकि आपको पूरा फेस्ट अच्छे से देखने को मिल सके और सारे इवेंट्स हम कवर कर सकें। कल कॉन्वोकेशन भी है हमारे सीनियर्स का, तो वो लोग भी आए हुए हैं, अगर हम मिल पाए तो हम कुछ सीनियर से भी मिलेंगे और ज़रूर दिखाएंगे। तो इस ब्लॉग के लिए इतना ही, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। बने रहिए हमारे साथ, बाय।